सभी लोगों का सर्वक एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देख रहे थे। हम नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे सीजन टीयर 2 के, जिसे कि आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। एसएससी टीयर 2 यानी कि मेंस में पूछे गए क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, दो अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई अंक इसके दहाई अंक के अंक से दो अधिक है और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखेंगे दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या का फॉर्मेट हमने देखा 10x plus y होता है पिछले क्लास में, 10x plus y। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके इकाई अंक, इकाई अंक कौन सा है हमारे पास, यहां यूनिट डिजिट ये है इकाई अंक, यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट है, ठीक। तो इसे दहाई अंक कहते हैं और इसे इकाई अंक, ये हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से दो अधिक है। हम इकाई का अंक x मानते हैं यहाँ पे, तो हमारा दहाई का अंक कितना है, दो अधिक। इकाई का अंक x अगर, तो दहाई का अंक कितना आ जाएगा, x प्लस 2। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है ये 10x plus y का, हमारे पास अगला इक्वेशन क्या बनेगा, 10x plus y की जगह हो जाएगा 10x plus x plus 2, कितना हुआ 11x plus 2। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन बना। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है और दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल। दी गई संख्या, संख्या क्या दी गई है, संख्या हमने निकाली है 11x plus 2, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके अंकों का योग, पहला अंक हमारा क्या है x है, दूसरा क्या है y, तो x की वैल्यू x है और y की वैल्यू हमने निकाला x plus 2, x plus 2 का योग कितना हुआ 2x plus 2। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्या, संख्या क्या हमारे पास 10x plus y, इसे क्या हम 11x plus 2 के रूप में निकाल चुके हैं। आगे क्या बोल रहा है, इसके अंकों का योग, अंक क्या है हमारे पास x plus y, x की वैल्यू x, y की वैल्यू x plus 2, इसे हमने सॉल्व किया 2x plus 2 का गुणनफल, का गुणनफल कितना है 460 है, का गुणनफल कितना है 460, मतलब कि 11x plus 2 और 2x plus 2 का गुणनफल कितना है 460, ठीक। ये तो क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है 48, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 64, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 46, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 36, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जो दोनों कंडीशन बोला है, इसमें पहले क्या बोला है कि इकाई अंक जो है दो अधिक है, तो किसमें किसमें इकाई अंक अधिक है, इकाई अंक है चार अधिक है इससे, दहाई अंक से ऑप्शन खत्म। इकाई अंक है कितना अधिक है, दो अधिक है ऑप्शन खत्म। इकाई अंक है दो अधिक है ये बच रहा है, फिर इकाई अंक है तीन अधिक है ये भी खत्म। तो हमारा आंसर क्या हुआ थर्ड 46। और यह क्वेश्चन एसएससी टीयर 2 में पूछा गया था, कब पूछा गया था मैं बताता हूँ, 2020 में पूछा गया था, 2020 डेट बताता हूँ मैं एग्जैक्टली, यह क्वेश्चन पूछा गया था 18 नवंबर 2020 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें इतना आसान ऑप्शन दिया है कि आप इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, तो पहली कंडीशन को सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक। तो सीधे हमारा ऑप्शन थर्ड हुआ, लेकिन अगर एक ऑप्शन और होता जिसका यूनिट डिजिट 2 से ज्यादा था 35 होता, ठीक, इसकी जगह 36 की जगह, तो ये 2 से अधिक होता, 2 अधिक होता, तो फिर एक और कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो संख्या दी हुई है 46
और उनके अंकों का योग, अंकों का योग कितना हुआ 4 और 6, 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 46 गुणे 10 कितना होगा 460, ये हमारे पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ 460, ये ऑप्शन से आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और 35 से करते हैं हम, तो 35 इंटू 3 प्लस 5 कितना होता 8 होता, 35 इंटू 8 कितना हो जाता 340, 5 और 40 324, 280 कितना होता 280 होता, जबकि हमारा गुणनफल कितना मल्टीप्लिकेशन कितना दिया 460 दिया, तो ये ऑप्शन 35 दिया होता तभी गलत हो जाता, ठीक। दोनों कंडीशन से हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं और हम आते हैं अभी बेसिक्स में कि बेसिक्स में कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों कंडीशन सॉल्व करेंगे हम एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि सॉल्व करेंगे, बेसिक बहुत ज्यादा लेंदी है लेकिन बेसिक सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, इसी मेथड से सॉल्व करना है बाय ऑप्शन, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो दूसरा जो लाइन बोला है उस लाइन को का यूज करते हुए हम आंसर को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या ऑप्शन दिया है, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 बाय 2 में 22x स्क्वायर प्लस 11 बाय 2 में 22x प्लस 2 का 2 में 4x प्लस 4 इक्वल टू 460, हम इसे ऐड किए 22x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 4460 इधर भेजेंगे माइनस में आएगा तो ये माइनस हुआ माइनस 456 इक्वल टू 0, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो 11x हुआ प्लस 13x हुआ 11x स्क्वायर 13x माइनस 2 2 जा 4 2 8 16 इक्वल टू 0, ठीक। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है काफी लंबा बन रहा है, तो हमें पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आएगा यहाँ पे बीच में इसको फैक्टर ऐसा करेंगे, 13 को ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 13 है और मल्टीप्लाई करने पे 228 गुणे 11 है, तो 228 गुणे अगर 11 करेंगे हम कहाँ करते हैं जरा खाली यही कर लेते हैं, 228 गुणे 11 तो 228 होगा 8 2 10 2 2 4 5 25 60, ठीक 25 60 हुआ, तो यहाँ पे हमारा 25 60 हुआ, तो क्या ऐसा चीज है जिससे हम गुणा करेंगे जोड़ने घटाने पे हमारा क्या है 13 और गुणा करने पे 2508, तो हमारे पास यहाँ पे होगा 11x स्क्वायर प्लस 57x प्लस 57x माइनस 44x माइनस 228 इक्वल टू 0, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 11x स्क्वायर में से कुछ कॉमन है, x ही कॉमन हो रहा है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है क्या x कॉमन लिया तो हमारे पास 11x प्लस 57 बचा प्लस माइनस है, माइनस का कॉमन लेंगे 4 कॉमन लिया तो फिर 11x प्लस 57 आया फिर x माइनस 4 फिर 11x प्लस 57 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में चला जाएगा इसे हम ले लेंगे, x इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना है 4 आया, x क्या है हमारे पास x 4 है और y कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, हम इसे पुट करेंगे 10x प्लस y में तो 10 इंटू 4 प्लस 6 कितना होगा 46, ये हमारा आंसर होगा, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है बाय ऑप्शन बाय ट्रिक जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, अगर एक ऑप्शन है तो ठीक, दो ऑप्शन है तो दूसरा ट्रिक ले लेंगे, दो तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कुछ लोग इस मेथड से लगाएंगे लेकिन ये मेथड बहुत ही लेंदी है, इस मेथड से नहीं लगाना है, मेथड हमारा होना चाहिए ये, और ऐसे ही ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे सीरियल में, अब मेंस में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस मेथड से लगाएंगे, क्योंकि आपने बचपन में तो मैथ पढ़ी है तो आपको इतना तो आता है तो इसलिए आप इसे लगाएंगे, अगर आपने पढ़ा है
प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस का, तो इस मेथड से लगाएंगे और आपका आंसर इससे ज्यादा जल्दी आएगा, आपका टाइम बचेगा और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर बेसिक मेथड से लगा लग जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, आपका क्वेश्चन पेपर छूटने का चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी रुक जाएंगे। तो इसी तरह के ट्रिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ हम आपको साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और कुछ नए सीजीएल टियर 2 के मेंस के क्वेश्चन कुछ और लेकर आएंगे, जिसे कि आप देखेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन है। और सबसे जरूरी चीज है, किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कितने भी तेज हैं, आपका एग्जाम क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंसिस्टेंसी को बनाए रखेगा। और यह क्वेश्चन 18 नवंबर 2020 को एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप देखते ही सॉल्व कर देते कि कौन सा डिफरेंस दो का है, यूरो डिजिट किसका दो ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन थर्ड में यूरो डिजिट ज्यादा है और सब में यूरो डिजिट कम है, तो आंसर हमारा 46 होता है। और अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते तो सॉल्व इतना लंबा हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।